प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वुमनिया यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। नमस्कार, वुमनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर वर्षा डेगलेकर है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 30 साल से इस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ। गर्भावस्था में पोषक आहार, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो गर्भवती महिला ये जान लें कि वो और शिशु एक इकाई है, यानी वो एक यूनिट है। माँ जो पोषक आहार देती है उसी से गर्भ का विकास होता है, बच्चे का शरीर बनता है। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो आगे जाके उस कमी को सुधारा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि किन पोषक तत्वों की गर्भावस्था में जरूरत होती है। सबसे पहले घटक या इकाई लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ हैं जो शरीर को शक्ति देते हैं, यानी हमारे एनर्जी सोर्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स सब जानते हैं कि हमें अनाजों से मिलते हैं, चावल, रोटी, बाजरा, ये सब चीजें जो हैं ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इससे दूसरा महत्वपूर्ण घटक है इसके पास प्रोटीन। ज्यादातर शाकाहारी लोगों में डाइट में प्रोटीन की अक्सर कमी पाई जाती है, उन्हें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन हमें दाल, बीन्स, अंकुरित मूंग, मसूर, बीजों से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमको पनीर, दही या दूध से बने हुए सारे पदार्थों से मिलते हैं। मांसाहारी लोगों के लिए ये चीज थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि अंडा, चिकन या मछली, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। दूध ऐसा एक यूनिवर्सल पदार्थ है जिससे हर व्यक्ति सही मात्रा में बैलेंस प्रोटीन ले सकता है। अब इसके आगे जो जरूरी दो चीजें आती हैं वो है मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स प्रेगनेंसी में जो सबसे जरूरी मिनरल्स हैं वो है आयरन और कैल्शियम। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी की जो पूरी ड्यूरेशन है 280 दिन, इसमें हमको 100 दिनों में 100 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। अगर इतना आपने ले लिया तो आपके हीमोग्लोबिन को 11-12 के दरमियान रखने के लिए इतना काफी है। कैल्शियम की मात्रा जो बताई जाती है जरूरी, वो है 1000 मिलीग्राम पर डे। ये है प्रेगनेंसी के लिए, और पोस्टनेटल मतलब प्रसव के बाद 1500 मिलीग्राम पर डे। इन दोनों की जो ये जो मात्रा बताई गई है, शायद ये हमें हमारे रोज के आहार से न मिले, इसके लिए हमको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। जरूरी विटामिन जो प्रेगनेंसी में है वो है विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बिल्कुल आवश्यक है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये तीनों मिला के सबसे ज्यादा विटामिन जरूरी विटामिन की श्रेणी में आ जाते हैं। तकरीबन 1000 यूनिट्स विटामिन डी डेली, 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड और 1500 माइक्रोग्राम B12 आहार में होना जरूरी है। अगर किसी कारण से हमारे आहार से ये हमको नहीं मिलता है तो इसके भी सप्लीमेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं और हमें इनको जरूर लेना चाहिए। तो आज हमने ये देखा कि सारा पोषण बच्चे को माँ से ही मिलना है, तो जब तक माँ जरूरी पोषक आहार नहीं लेगी तब तक स्वस्थ शिशु का विकास नहीं हो सकता। और उनकी जो इकाइयां हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमें संतुलित मात्रा में भोजन से ही लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अन्य महिलाओं के साथ। गर्भावस्था संबंधी सारी जानकारी के लिए और डॉक्टर एडवाइस के लिए डाउनलोड करें वुमनिया ऐप। इसका लिंक आपको वुमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।